आओ आओ बैठो बैठो जल्दी आओ, फिरोजाबाद टूला हाथरा सलीगढ़ गाजियाबाद आओ भाई बैठो जल्दी। अरे भाई कितनी देर हो गई, लेकर चलो यार। अरे चलने हैं क्या, खाली लेकर चलूं यार? खाली क्या यार, कितनी देर से कह रहे हो चलने हैं चलने हैं, और चल तो रहे नहीं यार तुम। अरे तो इतनी जल्दी हती तो हवाई जहाज ले ले, तू उसमें बैग उठा के बैठ गए हो। अब वहाँ तक हवाई जहाज चलता तो चले ही जाते यार, तुम्हारा वेट थोड़ी करते। अब चलो यार तुम बहस बहुत करते हो। अब तू क्या चाह रहा है कि खाली बस लेके चलूं, पानी से चलते जी, डीजल को पैसा कौन देगा है? तू रोवे को डीजल बात कर रहा, चलो चलो। क्या भैया यार मेरी बारात लेके जा रहे हो कि मैं डीजल भरवाऊं? यार तुम चलाते हो तो तुम ही ना भरवाओगे, पानी पे चलाओ या डीजल पे चलाओ या मत चलाओ, मेरा क्या। हाँ तो चुपचाप बैठो बस, बनने दो चलते हैं। ज्यादा उलायत मचावे की जरूरत ना है, जिन्हें जल्दी ही वो चले गए। ए भैया ये अलीगढ़ जाएगी बस? हाँ जी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, बैठो अंदर। तुम बस में सीट है? नहीं सीट कहाँ है, त्रिपाल बिछा के बैठाते। अरे यार बहन जी कैसी बातें कर रही हो, इतनी बड़ी बस है बस में सीट नहीं होगी। अरे भैया तुम तो गुस्सा कर रहे हो, मैं तो पूछ रही हूँ खाली सीट है बैठने की? अरे बहन जी तुम्हें जगह मिल जाएगी, तुम आओ बैठो बस। चाचा बस के पहिए के नीचे आने का इरादा है क्या? मंदा है तो वहाँ रेल के नीचे जाओ, किसी से काट जाएगी तुम्हें। अरे नहीं बेटा यार, फिलहाल तो तेरी बस में बैठने का इरादा है। अरे चाचा देखो तुम तो अंदर आ सकते हो, जो तुम्हारी भेड़ नहीं अंदर आवेगी, खजाना हम भेड़ बकरी भरेंगे बस में। अरे बकरी हमारे साथ है, क्यों नहीं आएगी बकरी हमारे साथ? सुबह सुबह हम इसकी चाय बना के दूध पीते हैं, क्यों नहीं आएगी? अरे चाचा तुम जाको चाय बनाओ चाहे कॉफी बनाओ चाहे दूध पी लो, जे तुम्हारे साथ आ गई तो जाको पैसा लगेगा बस। बड्डू उल्लू आदमी का, बकरी के पैसा कब से लगन लगे? तो बकरी के पैसा नहीं देंगे हम। अरे चाचा बकरी के पैसा तो लगेंगे, अब तुम्हें बैठना हो तो बैठो नहीं तो कोई और बस देखो बस। अरे ठीक है ले ली, अब तू कुछ रहे यार, हम समझ लेंगे कि हमने रास्ता में बकरी को चारा खवा दो। ठीक है चाचा चाय उठाए के और वह कोने वाली सीट पे पहुँचो। चाचा जब बकरी ने अगर लेड़ी बेसाब बेसाब करी तो पूरी बस पे तुम पे ही पहुंचा लगवाऊंगो। अरे यार तुम हर दो मिनट में बीच बीच में बस रोक दे, तो ये कोई तरीका है चलाने का? नहीं चलाने आता तो बोल दो मैं चलाऊं। तू क्या चाह रहा है, रास्ता में कोई आ आके ऊपर चढ़ा दूं? अबे बस रुकेगी सवारी भरेगी, मैं डीजल को कच्चा तो निकलेगा, कहाँ से निकालेगा मुझे सब? तूने बुक कर ली है कि सीधी पहुंचा दूं तो वहाँ? चुपचाप बैठ रहो अपनी सीट पे। अरे देखो यार तुम हमसे बदतमीजी मत करो भाई प्लीज। बेटा अभी तेने हमारी बदतमीजी देखी कहाँ है? सारे जब भी बस के ब्रेक लगते हैं तू उछल के खड़ा है, या तो है कतई सीट पे खीर घुसी है का? बैठ चुपचाप। अरे ज्यादा उछलेगा तो खिड़की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, टप्पा खा के गिरेगा सीधे रोड पे। अरे यार भैया तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, दुबला पतला इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे हैं? बेटा अब तेने मुंह में तो एक शब्द और निकालो तो उठा के अब जरूर फेंकूंगा बाहर। और बहन जी लाओ टिकट के पैसे दो, ये लो हम बिना टिकट के चल रहे हैं तुम्हारी बस में। अरे बहन जी तो कहा तुमसे हमको अनौती टिकट मांग रहे हैं, सबकी देख रहे हैं तो तुम्हारी देख रहे हैं। और बहन जी तो तुम्हारी टिकट है या बच्चा की टिकट कहाँ है, चिकन को है? अरे भैया जब हमारे संग बैठा हो तो हमारा ही है और तुम्हारा ही है, ऐसा है बहन जी हमारा तुम्हारा बाद में कर लियो। और जब बच्चा की टिकट कहाँ है, ये तो तुम्हारी टिकट है खाली। अरे भैया तो बच्चा की टिकट लगती कहाँ है, कल नए कंडक्टर बने हो तुम? ओ हो बहन जी पहली बार सफर कर रही हूँ बस में, अब बच्चन को किराया लगा तो है, देना पड़ेगा बहन जी इसका भी किराया बस। ऐसे कैसे देना पड़ेगा, अभी तो जी मैं चिंतू 8 साल को ना बाओ। अरे बहन जी 8 साल को ना बाओ पर जी सीट तो एक आदमी की घेर के चल रहा हुआ है, अच्छा सीट को तो भाड़ा देना पड़ेगा बहन जी, लगेगा जाको। ज्यादा बहस ना करो हमसे, हम इसका भाड़ा नहीं देंगे, रोज का आना जाना है हमारा, तुम्हें क्यों दे जा रहा इसका? ऐसा है बहन जी 25 साल तक जा रोड पे बस चला रहूं, ऐसा वैसे समझ रही है तुम, भाड़ा तो देना पड़ेगा तुम्हें जाको बस। अरे यार कब से चिल्ला रहे हो, दिमाग खराब हो गया यार, चलो मैं इस बच्चे का मैं भाड़ा दे दूंगा, चलो यार तुम बस चलाओ। अच्छा हमें क्या पता था ये अम्मानी की औलाद बैठा है।
इसमें। अब बेटा ऐसा है, पूरी बस पे जितने भी बैठे हैं सबका भाड़ा तू ही देगा। लो भैया अपने अपने पैसे पकड़ो, ये देगा सबका भाड़ा, ये पहले इसकी औलाद बैठा है ना ये। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, सबका भाड़ा हम क्यों देंगे साले। फिर तू क्यों बीच में कूद रहा है, बड़ी अम्मा बन रहा है, तेरी अम्मा लगती है या तेरी मौसी लगती है, ये क्या है जो तू बीच में बोला। अब बेटा भाड़ा तो तू ही देगा। अरे यार मैं कहाँ से दूंगा, मैं खुद भाड़ा अपना बहुत मुश्किल दे देता हूँ। मैं तो बस जल्दी बोल रहा था कि चलो यार, बस यार मेरे पे फिर जाते हो यार, मुझे मैं पत्ता ढूंढेंगे। चल ठीक है, किसी के पटे में टांग लाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और हाँ बहन जी, आप इस बच्चे को चाहे तो अपनी गोदी में बिठा लो या जमीन पे बिठाओ, अगर ये सीट पे बैठेगा तो इसका भाड़ा देना पड़ेगा, बस सीधी बात है। नहीं तो नहीं बिठा रहे, तुम्हारी सीट पे सोने की सीट है, बेटा अपनी गोद में बिठा लेंगे हम उसे। 9 महीने हमने इसको पेट में रखा है, 2 घंटे हम गोद में नहीं बिठा पाएंगे, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। नहीं तो बिठाओ ना बहन जी, ये तो अभी भी तुम्हारा सीट पे बैठा है। अरे तो किसी को आने तो दो, कोई आएगा बैठने के लिए तो उठा लेंगे, बिठा लेंगे अपने अपनी गोद में। नहीं नहीं बहन जी, ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, बस आप उसे उठा के अभी बिठाइए गोद पे। ऐसा है, ज्यादा फालतू बात ना करो, आगे नाके पे पुलिस है। तो क्या नाके पे उतरना है, उतार देंगे हमारी क्या। उतरना मुझे नहीं है, तुम्हारी गर्मी उतर जाएगी ना, बोल दूंगी ना पुलिस से कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा है, मार मार के डंडे तुम्हारे पिछवाड़े लाल कर देगी पुलिस, फालतू बात करोगी तो। अरे बहन जी, अरे रे रे रे, आप तो बुरा मान गई बहन जी। अरे हम कुछ नहीं कह रहे बहन जी, अरे आपकी पूरी बस है, आप कहीं भी बिठा रहो बच्चे को, कहीं भी लेटाओ। हेलो एक्सक्यूज मी भैया। अरे महाराज अब तुम्हारी क्या समस्या है बताओ। समस्या सबके सामने बताने लायक नहीं है। अबे क्या बवासीर है तुझे जो सबके सामने नहीं बता पाएगा, बता। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो यार, बवासीर हो हमारे दुश्मन को यार, बात को समझो, ये बात बताने लायक नहीं है प्लीज। अरे यार बोलना है तो बोलो, तब से ये परेशान कर रही है, अब तुम आ गए साले, पागल करके रखा है मुझे यहाँ, बोलना तो बोलो। अरे बोलना क्या है यार, टॉयलेट लगी है कब से यार, रोक के रखता हूँ यार। क्यों कब से करके नहीं आते ये सब, तो तुम्हें यहाँ बस में सब याद आता है कि हमें पानी पीना है, क्या करना है। ठीक है अभी 2 मिनट बाद वहाँ नाके पे बस रोकेंगे, वहाँ उतर के कर लेना, बैठो जाओ। अरे 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 चाचा, ये तुम्हारी लुवाई तुम्हें ढूंढनी है, सॉरी तुम्हारी बकरी ढूंढनी है, पकड़ो इसे। लो 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 लो, लो इसने लेड़ी कर दी। अरे यार तभी हम मने कर रहे थे, तुमने यार इसे और घुसा लिया बीच में। अरे यार इसमें क्या नई बात हो गई यार, क्या तुम नहीं करते हो, सब करते हैं ये तो। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, इस पर किसी का कंट्रोल छोड़ेंगे, ये तो बकरी है बेचारी। अरे कभी कभी तो यार आदमी भी नहीं कंट्रोल कर पाता, वो भी कर देता है। अरे चाचा तुम कंट्रोल की बात कर रहे हो, वो देखो बेचारा घंटे भर से कंट्रोल करके बैठा है। पूछू हाँ भाई, ओए बता बता तू चाचा को कंट्रोल नहीं करके बैठा कितनी देर से। ए यार बोल, कंट्रोल करके बैठा है ना। अरे बोल यार, तुझी से कह रहा हूँ बोल। भैया कंट्रोल तो किया था पर हुआ नहीं, निकल गई बीवी बात मारेगी। अरे यार बस रोको, कोई हंग रहा है कोई मूत रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे उतारो बस, मुझे नहीं जाना आगे। समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है।